हफ्ता चला गया तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस हफ्ते के सबसे मसालेदार और गर्मा गर्म स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पण नायक, आप देख रहे हो स्टार्टअप ज्ञान और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आप में से काफी लोग पूछते हैं कि यार कोई एक इंडियन कंपनी क्यों नहीं है जो कि ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व करती हो, जैसे फेसबुक हो गया या गूगल हो गया। पर अब आप जान के बहुत खुश हो जाएंगे कि यार फ्रेशवर्क्स जो कि चेन्नई की कंपनी है, पहली इंडियन टेक प्रोडक्ट कंपनी बन गई है जिनका यूएस में आईपीओ हुआ है। अभी उनकी नैसडैक में लिस्टिंग हुई है और उन्होंने $1 बिलियन रेज किया है $10 बिलियन के वैल्यूएशन पे, और ये ग्रीस ने पिछले 10 साल में कंपनी को बनाई है। तो आप क्या चाहते हैं कि यार मैं एक डिटेल केस स्टडी बनाऊं कि कैसे फ्रेशवर्क से शुरुआत हुई और कैसे इंडिया में रह के उन्होंने ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व किया? तो इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन सकती है। और फ्रेशवर्क्स के आईपीओ के बाद धीरे धीरे इंडियन SaaS कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि अगले कौन कौन से स्टार्टअप्स अपने आईपीओ की फाइलिंग कर सकते हैं? तो बताया जा रहा है कि यार ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस ड्रूम बहुत जल्दी अपना आईपीओ फाइल कर देगा, जिसमें वो 1000 करोड़ रुपये शायद रेज करेगा। और ओयो के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते ही वो अपना आईपीओ फाइल कर देंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि वो 8000 करोड़ रुपये रेज करने वाले हैं 12 से लेके $15 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो इस साल तो लग रहा है कि हर महीने 2-3 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनते हैं और एक स्टार्टअप का आईपीओ होता है। देखते हैं कि इन स्टार्टअप्स के आईपीओ का क्या रिस्पॉन्स आता है। वैसे आप कौन से स्टार्टअप के आईपीओ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे कंपनीज और स्टार्टअप्स एक के बाद एक क्यों आईपीओ रेज कर रहे हैं, क्योंकि भैया बुल मार्केट चल रहा है। अभी इस हफ्ते तो यार सेंसेक्स 60,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया, निफ्टी 17,900 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। और ये चौंका देने वाली बात है कि यार पिछले मार्च को यानी 2020 में सेंसेक्स गिर के 25,600 पॉइंट्स तक पहुँच गया था, पर अगले 18 महीने में 130% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो लग रहा है सब अंधा पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से। वैसे आप में से कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, आपने कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लिया है? मोस्टली Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स, इन सब में से किसी का लिया होगा। और आप अब देख रहे होंगे कि यार कई सारे और OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, Zee5, SonyLIV इत्यादि। बट अब लग रहा है कि यार एक और टफ कंपटीशन आने वाला है, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया का मर्जर होने वाला है, जिसमें सोनी ये मर्ज एंटिटी में $1.57 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और सोनी के पास मेजॉरिटी शेयर्स होंगे करीब 52.93%। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यार जी के पास कई सारे फिक्शनल शोज मूवीज़ हैं और सोनी के पास कई सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं। दोनों के OTT प्लेटफॉर्म्स बाद में आए हैं तो उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, शायद साथ मिलकर ग्रो कर जाएं। अच्छा, TV में तो यार अलग अलग चैनल्स होते हैं और आप अपने पसंद के हिसाब से उन चैनल्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट क्या आपको पता है कि यार अब OTT प्लेटफॉर्म में भी अलग अलग चैनल्स आ गए हैं? तो अगर आप प्राइम वीडियो देखेंगे, वैसे प्राइम का सब्सक्रिप्शन साल का 1000 रुपये का होता है, बट आप वहाँ पर उन्होंने कई सारे और चैनल्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि एरोस नाउ, डॉक्यूबे, मूवी, लायंस गेट प्ले इत्यादि। तो बेसिक फंडा ये कि यार आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और इन OTT प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्रिप्शन मिलना मुश्किल होता है। तो इन्होंने क्या किया, प्राइम के साथ कोलैबोरेट कर लिया। और प्राइम में अगर आपको इन सब के सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप अलग अलग इंडिपेंडेंटली पे कर सकते हो, साल का 200, 300, 500 रुपए। और इससे इन OTT प्लेटफॉर्म में जो अलग टाइप का कंटेंट है वो आप देख सकते हो। अब इससे इन OTT प्लेटफॉर्म का फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि Amazon प्राइम पे वैसे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बट देखते हैं कि एक्चुअल में कितने लोग ये अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स को एज चैनल सब्सक्राइब करते हैं। आप थोड़ा बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इस हफ्ते क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरी हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना के सेंट्रल बैंक ने सारे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स को अब इलीगल बता दिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि यार US के बाद सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट चाइना का ही है। तो उसके बाद अभी आप देखेंगे यार बिटकॉइन का प्राइस $42,000 हो गया है, इथेरियम का प्राइस $3,000 हो गया है। तो देखते हैं कि यार वापस ये क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस कम बैक कर पाते हैं कि नहीं। वैसे आप में से कितने लोगों ने बाय द डिप किया, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे इंडिया में तो यार अलग ही क्रिप्टो का क्रेज़ चल रहा है। कॉइनस्विच कुबेर, जो कि अब इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है इन टर्म्स ऑफ यूज़र्स, उनका कहना है कि यार अब Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसीज खरीद रहे हैं, जैसे आपका पटना, भोपाल, लखनऊ, वडोदरा इत्यादि हो गया है। और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान है। जल्दी से KYC करवाओ और इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। स्टॉक्स में थोड़ा टाइम लगता है इन्वेस्ट करने में। वैसे आप में से
कितने लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया पर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है, कमेंट्स में जरूर बताना। और अब हम थोड़ा बहुत फंडिंग न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, इस हफ्ते कोई यूनिकॉर्न तो बना नहीं है, पर कार्स 24 जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है प्री ओन्ड कार्स के लिए, उनका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मतलब पिछले नवंबर को वो यूनिकॉर्न बने थे, पर अब उन्होंने $450 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है $1.84 बिलियन के वैल्यूएशन पे। और वैसे ये प्री ओन्ड कार्स का मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, देखते हैं कि इस फंडिंग की मदद से कार्स 24 कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करता है। अगली फंडिंग न्यूज़ है कि लॉजिस्टिक स्टार्टअप डिलीवरी ने $125 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है टाइगर ग्लोबल से, और डिलीवरी बहुत जल्दी अपना IPO के लिए फाइल करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यार वो 800 से $1 बिलियन रेज करेगा। देखते हैं कि फाइनली डिलीवरी का IPO कब मार्केट में आता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ब्रांड वाओ मोमो ने $15 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली अपनी सीरीज सी राउंड में $166 मिलियन के वैल्यूएशन पे। तो वाओ मोमो के रेस्टोरेंट चेन्स आपने अपने शहर में काफ़ी जगह देखे होंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके के मोमोज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका चॉकलेट मोमो हो गया है। बट अब फंडिंग मिल गई है, देखते हैं कि यार वो और क्या क्या नए नए इनोवेशन लाते हैं और कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। फ्रेशवर्क्स के ऊपर अगर आप केस स्टडी चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।